विश्व के सांस्कृतिक पटल पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने वाले विद्यानंद सरैक ने हिमाचल प्रदेश के लोकगीत को एक नई पहचान दिलाई है। सरैक को हाल में ही दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिससे पूरा प्रदेश गौरवान्वित है। लोक संगीत को पहचान दिलाने वाले विद्यानंद सरैक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पहाड़ी संस्कृति को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए सरैक ने जो कोशिश की है वे लाजवाब है। उनके इन्हीं प्रयासों के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। सरैक ने 7 वर्ष की उम्र से ही गायन शुरू कर दिया था और यही कारण है कि आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। विद्यानंद सरैक अपने माता पिता को प्रेरणा मानते हैं, जिनसे उन्होंने गायन सीखा है। पुरस्कार पाकर विद्यानंद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विद्यानंद को मिले पुरस्कार से उनका परिवार भी बेहद खुश है। विद्यानंद के बेटे रमेश सरैक ने कहा कि परिवार के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। सबसे पहले तो मैं हिमाचल और भारत सरकार का धन्यवादी हूँ कि इनको एक छोटे से परिवार के हम बिलोंग करते हैं और दूर दराज गाँव के क्षेत्र से हैं, और मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इनका एक बेटा होने के नाते, और हम पूरे खुशी है और विशेषकर हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटे से परिवार को इनको राष्ट्रपति देश के सबसे सर्वोच्च से इनाम मिला। विद्यानंद सरैक अभी तक 1000 से भी अधिक गीत लिख चुके हैं। इनके गीतों की खास बात यह है कि ये सभी पहाड़ी परंपरा और लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आज इन गीतों को प्रदेश के कई गायकों द्वारा गाया जाता है। विद्यानंद सरैक रेडियो आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी अपने गानों की खूब धाक जमाई है। वहीं सरैक युवा कलाकारों द्वारा लोकगीतों के साथ की जा रही छेड़छाड़ से आहत है। सरैक कहते हैं कि युवा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है और लोक गायकी को भूल रहा है। मैंने जो प्रयास किया है कि एक तो जो मूल विधाएं हैं हमारी वो बरकरार रहे, यहाँ की प्राकृतिक, यहाँ की देव परंपरा से जुड़ी जो हमारी क्या कहते हैं व्यवस्था है, और यहाँ का जो रहन सहन है और व्यंग्यात्मक पहलू है उस जो हमारे पहले मौखिक चलता था करियाला, इसमें उसको हमने संकलन करने का प्रयास किया है। देखिए जी, जहाँ तक नए कलाकारों के लिए हमारा संकल्प ये है कि ये भी रास्ते में आए। सवाल इस बात है, जिस तरह से ये लोक संस्कृति के विनाश में तो नहीं, इसको छेड़छाड़ में लगे हैं। वास्तव में अगर हम लोकगीतों को कहें तो 100 साल से पुराना लोकगीत हमें अगर मिलता है तो लोक परंपराएं और लोक साहित्य हमें हार, बार, पुआड़ा, साका, पांजरा, पडवाइन और रामायण में मिलता है। लोक संस्कृति को बनाए रखने के लिए विद्यानंद सरैक ने जो पहल की है वे अपने आप में काबिले तारीफ है, जिसे दूसरे कलाकारों को भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, नाहन।